नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल TNT रैलिश में। आज दोस्तों हम जा रहे हैं मनु जी के मंदिर में और ये रही हमारी साइकिल, तो इसी से हमने यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया दोस्तों। मनाली के मॉल रोड से करीब 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मनु जी का मंदिर है और ये आप देख सकते हैं, ये रहा मुख्य मंदिर। तो दोस्तों अब चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और मैं आपको मंदिर के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। दोस्तों मंदिर पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले मॉल रोड से ओल्ड मनाली जाना होगा, वहाँ से आपको मंदिर जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से सीढ़ियाँ देख सकते हैं, एक छोटा सा मंदिर है दोस्तों लेकिन बहुत ही प्यारा मंदिर है। दोस्तों मैं पौराणिक कथा की बात करूं तो एक बार भगवान विष्णु ने दोस्तों मत्स्य का अवतार लिया था जो कि एक मछली के रूप में थे। तो एक बार दोस्तों जो मनु जी है वो एक टाइम राजा हुआ करते थे, तो वो नदी में अपने हाथ धो रहे थे, तो वहीं पे दोस्तों मनु जी को एक मछली दिखाई दी जो कि किसी मदद की गुहार लगा रही थी। तो दोस्तों यह देख मनु जी उसे अपने घर ले आए और उसे किसी छोटे से पात्र में रख दिए, लेकिन कुछ समय बाद वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि उस पात्र में नहीं आ पा रही थी। तो यह देख मनु जी ने उसे किसी बड़े पात्र में रखा, लेकिन दोस्तों फिर कुछ समय बाद उस मछली का आकार बढ़ गया और वो उस पात्र में भी नहीं आ रही थी। फिर दोस्तों मनु जी ने फैसला लिया कि अब मछली को हम नदी में छोड़ेंगे, लेकिन दोस्तों नदी में भी मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि वो उस नदी में भी नहीं आ पा रही थी। तो यहाँ दोस्तों मनु जी ने अपना अंतिम निर्णय लिया और उस मछली को सागर में छोड़ दिया। दोस्तों मछली को सागर में छोड़ते ही यहाँ पर दोस्तों भगवान विष्णु ने अपना असली रूप प्रकट किया और मनु जी को अपने असली रूप के दर्शन देकर उन्हें भविष्य में आने वाली एक महाप्रलय के बारे में बताया और उससे बचने का निवारण भी उन्हें बताया, जिसमें भगवान विष्णु ने मनु जी को एक नौका बनाने का आदेश दिया और उनसे कहा कि भविष्य में जब वो महाजल प्रलय आएगी तब उस समय मैं आपकी मदद करूंगा, आप अपनी नाव को मेरी सींग से बांधिएगा और अपने स्वयं के साथ साथ उस नौका में सप्तऋषियों को भी ले जाइएगा। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने यहाँ पे मनु जी को अपने साथ सृष्टि के करीब 9 बीज रखने को कहा, जिसमें जानवर और पेड़ पौधे वगैरह शामिल थे, ताकि दोस्तों जल प्रलय समाप्त हो जाने के बाद मानव जाति और जितने भी जानवर पेड़ पौधे हैं वो विलुप्त ना हो जाए और पृथ्वी पहले की तरह ही संचालित होती रहे। तो दोस्तों जल प्रलय की समाप्ति हो जाने के बाद अभी तक यह किसी को पता नहीं है कि आखिरकार मनु जी की जो नौका है वो कहाँ पे आके लगी थी। फिर भी दोस्तों मनाली को ही वह स्थान माना जाता है और बताया जाता है कि कई वर्षों तक मनु जी ने यहाँ पे तपस्या की है। इसके साथ ही दोस्तों मनु जी के नाम पे ही इस शहर का नाम मनाली पड़ा। और इसके अलावा दोस्तों मनाली को पहले मनुवालय भी कहा जाता था, लेकिन कालांतर में ही इस जगह का नाम मनाली पड़ा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी और मनु मंदिर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, इसी के साथ वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों जब कभी आप मनाली आएंगे तो मनु मंदिर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इस मंदिर को आप जरूर विजिट करिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए TNT रैलिश।